किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी तगड़ा पलटवार किया है। गुना के बमोरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हाँ, हम नंगे भूखे हैं और इसीलिए गरीबों का कष्ट जानते हैं, उनकी सेवा में दिनों रात लगे रहते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा कि जिन्होंने कभी गरीबों को नहीं देखा, भूख धूल बीमारी कीचड़ नहीं देखी, वो गरीबों का दर्द क्या जाने। चले कमलनाथ तो उद्योगपति हैं, हिंदुस्तान के नंबर दो के, और शिवराज सिंह तो नंगे भूखे हैं। कहा भी हम नंगे भूखे हैं, हम नंगे भूखे ही भले, अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए अपने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं दिनों रात, उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं। तुमने कभी गरीबों को देखा है? तुमने कभी भूख देखी है? तुमने कभी गांव देखे हैं? तुमने कभी गांव की गलियां देखी है? तुमने खेत देखे हैं? खेत की पगडंडियां देखी है? कीचड़ देखी है? धूल देखी है? बीमारी देखी है? तुम क्या गरीब का दर्द जानो, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए शहरी अभियानों के खाते में 1000 रुपया महीना डलवाते हैं। संबल योजना मामा ने बताया और तय किया कि गरीब बहन अगर बेटे बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया बहना के खाते में डालेंगे। ए उद्योगपति, तूने तो मेरे बच्चों की फीस छीन ली, तूने मेरी बहनों के पैसा छीन लिए, तूने मेरे मौके बहनों के मौके लर्जे छीन लिए रे। हाँ, हम तो नंगे भूखे हैं, ये बंगले वालों नंगे भूखे पिछड़े हैं हम, इन पर उंगली मत उठाओ, हमें नंगे ही रहने दो, हमें भूखे ही रहने दो, ताकि जिंदगी भर अपनी जनता की सेवा कर सके।